उस दिन की खुशी, उस दिन के इज़्तिराब को महसूस कीजिए जब आपके हाथों ने वो आखिरी लफ्ज़ एप्लीकेशन में लिखा था। वो किस सोच से, किस उम्मीद से लिखा था, उस उम्मीद को और उस इज़्तिराब को महसूस कीजिए, उस चाहत को, उस तड़प को महसूस कीजिए। यूथ इम्पैक्ट लॉन्च करने के बाद हमने कहा कि कैसा प्रोग्राम लॉन्च किया जाए जो यूथ इम्पैक्ट की जान हो, और उसके लिए हमने इसको मारखोर का नाम दिया पहली मरतबा। और मारखोर में हम तकरीबन पहली मरतबा जब लाए थे तो तकरीबन 70 मेंबर्स हमने इनरोल किए, और उसको करने के लिए हमारे अपने ट्रेन्ड मेंबर्स जो थे उनको साथ लगाया, और उसमें आके हमने मुख्तलिफ लाइफ स्टाइल के लोग, लाइफ स्किल्स के लोग उनको इन्वाइट किया, और उनको कहा कि आके इन बच्चों को बताएं कि वो कैसे बने, कैसे वो उभरे, इनिशियली वो क्या थे, फिर कैसे आगे आए और किस तरह आगे बढ़ते चले गए। कहते हैं कि मारखोर इज अ नॉन मल्टीमीडिया, नो मोबाइल फोन्स, नो डिजिटल गैजेट्स कॉन्फ्रेंस, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। थोड़ा सा अब हम इस माहौल के अंदर अपने आप को एब्जॉर्ब करें और इसका हिस्सा बनने की कोशिश करें। आई हूँ, मैंने ये माइंड बना लिया था कि दिस इज़ अ लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम, तो ये स्टोन मुझे ये शो करता रहेगा लाइफ में हमेशा कि आई हैव टू बी सो स्ट्रॉन्ग लाइक दिस आफ्टर दिस। एंड ये शाइन कर रहा है, इसमें थोड़ा सा ग्लिटरी चीज़ है, एंड आई हैव टू बी शाइनिंग। हम इनकी डेवलपमेंट करते हैं, फिर आप रिहा करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, हम ट्राइब ज़रार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं ज़रार महती हूँ, और आज हम लोगों को जो टास्क असाइन किया गया है वो ये है कि हम लोगों ने खाना बनाना है। मिक्स सब्जी हमें दी गई है, हमारी डिश है, हमें वो बनाना है। मारखोर जो है पाकिस्तान के अंदर यूथ कॉन्फ्रेंसेस को रीडिफाइन करने का एक एफर्ट है जो 7 साल पहले दिया था, और ये यूनिक है बिकॉज़ ये एक्सपीरियंस के ज़रिए नौजवानों को सोशल लीडरशिप, बीइंग इफेक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर कम्युनिटी, जज्बा, पैशन, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, एम्पथी, इस तरह की तमाम वो स्किल्स सिखाता है जो बदकिस्मती से हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाई जाती।
پرخور کو میں ایک سوشل چینج موومنٹ کے طور پہ دیکھتا ہوں. پاکستان سے آئے بھر نوجوان جب اکٹھے ایک جگہ پہ مشکل حالات, ولڈرنس سیٹنگ, لمیٹڈ ریسورسز اور اس کے ساتھ ڈائیورسٹی, ریسپیکٹ فار دی ادرز ریلیجنس, ایتھنیسٹیز, کلرز, جغرافیز, اس سب کو وہ کمبائن کرتے ہیں سوشل اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ اسکلس کے ساتھ. اینڈ دس از ویئر دیز ینگ لیڈرز فرام آل اوور پاکستان آر ایکسپیرینسنگ ان دس 5 days ولڈرنس لیڈرشپ کیمپ ایٹ مارفور. یہ ریڈیو آل پاکستان ہے, آپ کو پاکستان مبارک ہو, پاکستان زندہ باد. جاب انٹرویو کے لیے آئے ہو خالی ہاتھ, آپ کو پتا ہے کہ ایسے جاب لگ جاتی ہے خالی ہاتھ, فری میں جاب لگ جاتی ہے. Platform to polish their leadership skills. We connect them with different social entrepreneurs, social enterprises, jahan pe wo apni leadership skills ko polish kar sakte hain. Aur hamara apna platform bhi, we believe ke hamare baad ye platform yahi log chala rahe hain aur hamare samne hi hai. Alhamdulillah ye ho gaya ke they are running the show and they are running it beautifully. I stand with honor and declare to the world and these high mountains that I am a Marhor.